एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूं, जस्ट अभी अभी एक वीडियो शूट करके मैं बैठी हूं, 2 मिनट मेकअप चैलेंज, उसका लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज का वीडियो जो है वो एक चिट चैट वीडियो है और मैं आज आप लोगों के साथ में बात करना चाहती थी, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी तो फिर घुट घुट के मैं मर जाऊँगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ दिनों से। रीज़न ये है कि मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल का पार्ट है, हर कोई लाइफ में अपने स्ट्रगल करता है, लेकिन मेरे लाइफ के स्ट्रगल का पार्ट बहुत ही जल्दी मैंने देखना शुरू कर दिया और बहुत ही ज़्यादा है। मैंने एक दो वीडियोस भी शेयर किए हैं, बट वो 0.5 या 0.9% ही होगा, हर बात आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकते। जिस एक साल हो चुका है यूट्यूब पर आए हुए और अभी मेरे 1K सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि शुरुआत के कुछ दौर में, शुरुआत के 6 महीने तक मैं ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन 6 महीने के बाद में मैं सीरियस हुई और मैं अब 6 महीने से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपने पोस्ट कर रही हूँ और मेरे वीडियोस वायरल नहीं हो रहे। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से हेल्प भी मांगी है, बहुत सारे यूट्यूबर से कहा, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि मुझे यूट्यूब पे अब सक्सेस होना है, एटलीस्ट एक मोनेटाइजेशन मेरा हो जाए, एटलीस्ट थोड़ा सा मेरा चल जाए वीडियो, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि मेरी कुछ बहुत सब्सक्राइबर हैं, मुझे जिनका नाम अभी याद आएगा मैं ले लेती हूँ, सुनीता पांडे हैं एक, मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, श्रुति झा बहुत मोटिवेट करती हैं, पिंकी मिश्रा, लेकिन मेरा जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा है, रीज़न आई डोंट नो व्हाई। मैंने अपने सभी लोगों से, जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब किए हुए, मैं सबसे पूछती भी हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ मेरे वीडियोस में कमी क्या है, आपको मेरे किस टाइप के वीडियोस पसंद है, आपको मेरे व्लॉग्स पसंद हैं या आपको मेरे मेकअप से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं। तो वो सब करने के बावजूद भी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पर, इतनी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे बैकग्राउंड से वॉइस आ रही होगी, आई एम सो सॉरी, मुझे ये वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मेरे पास केवल शाम का ही टाइम होता है, क्योंकि लाइटिंग केवल शाम को ही सही होती है और छत पे ही आके मैं शूट कर सकती हूँ, नीचे इतना शोर शराबा होता है कि मेरा वहाँ पे शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो, यहाँ पर मैं अपने बच्चे को ले करके शूट कर रही हूँ, क्योंकि आपको अपने बच्चे का तो करना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी जो कोई करेगा, 1 घंटा देखेगा, 2 घंटा देखेगा, लेकिन उसके बाद हर कोई इरिटेट होकर आपके पास छोड़ देगा। तो मैं एक माँ भी हूँ, मैं अपना बच्चा भी संभालती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी देखती हूँ, मैं का काम भी करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और साथ साथ में एक यूट्यूबर भी हूँ। तो यूट्यूब का काम या यूट्यूबर का क्या काम होता है, ये केवल एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि कितनी मेहनत लगती है, वीडियो शूट करिए, एडिट करिए, कंटेंट लाइए, टाइटल बनाइए, थंबनेल बनाइए, ये सिर्फ वही समझ सकता है जो ये मेहनत करता हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे मेहनत करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन एक साल तक आपने किसी चीज़ में मेहनत की और आपको वहाँ पर फल नहीं मिल रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। मेरा रीज़न ये है कि मैं चाहूँ तो बहुत कुछ मसाला अपने वीडियो में डाल सकती हूँ, मेरी लाइफ की स्टोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग है कि अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करना स्टार्ट करूँगी तो डेफिनेटली मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उसमें से ज़्यादातर तो मेरे हेटर्स हैं, हेटर्स यूट्यूब के हेटर्स नहीं, जानने वाले, मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग केवल मुझे इसलिए देखते हैं ताकि मेरी एक एक इन्फॉर्मेशन इधर उधर ट्रांसफ़र की जा सके, ताकि मेरी एक एक वीडियो, मेरी एक एक ड्रेसिंग सेंस के बारे में, मैंने क्या बोला, एक एक बात, चाहे वो मेरी फैमिली हो, ससुराल पक्ष की या मायके पक्ष की, एक एक बात वहाँ तक पहुँचाई जा सके, इसलिए लोग मेरा वीडियो देखते हैं। और कुछ बहुत लोग तो डिसलाइक भी कर लेते हैं, लेकिन डिसलाइक से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि मेरा चैनल में मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन लोग मेरी पॉजिटिविटी नहीं, मेरी निगेटिविटी को ढूंढते हैं मेरे पूरे वीडियोस में और फिर मेरे घर तक पहुंचाते हैं कि आप, मैं चूंकि मतलब मेरा ये है कि अगर मैंने बिंदी नहीं लगाया उस बात पे बहुत बवाल हो गया, अगर मैंने जीन्स टॉप पहना उस पे बवाल हो गया, या अगर मैंने कुछ भी, मैं अगर अपने जहाँ रहती हूँ आजमगढ़ में, वहाँ पर मैं अगर कुछ करके वीडियो शूट कर रही हूँ, वो तक बातें मेरे घर तक पहुँचती हैं, वीडियोज़ की एक एक बात मेरी फैमिली तक पहुँचती है और फिर उसके बाद आप समझ सकते हो कि क्या होता होगा। फिर भी मैं हर एक चीज़ सुनती थी एंड मैं सोचती थी कि चलो आज नहीं कल मेरा चैनल ग्रो करेगा, तब इन सबको जवाब मिल जाएगा, आज नहीं कल तो मेरा चैनल ग्रो ही करेगा। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो रही है और मुझे लगता है कि अब मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए,
क्योंकि जिस जगह आपको फल ना मिले वहां पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे ये काम दिल से पसंद है और मैं ये काम करना चाहती हूँ, बहुत ही दिल से करना चाहती हूँ, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो क्या करूंगी मैं ऐसे काम करने का। मेरा यूट्यूब पे कोई गॉडफादर तो है नहीं कि मैं किसी को, कोई मेरा फैमिली में किसी ने, अरे यूट्यूब फैमिली में तो छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ पर व्हाट्सअप चलाना, अगर थोड़ी देर मोबाइल भी लेके आदमी बैठ जाता है ना तो उसमें भी लोग टॉन्ट मारते हैं कि दिन भर मोबाइल में घुसी रहती है। ठीक है, तो ऐसे माहौल में रह करके मैं अगर अपना चैनल चला रही हूँ तो एटलीस्ट आप लोगों से तो इतना मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना, आपने पसंद नहीं है, तो एटलीस्ट आप लोग ये तो बोल सकते हो कि मैम आप इस चीज़ को सुधारिए, इससे आपका चैनल ग्रो करेगा। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही बड़ा एक मोटिवेशन होता है। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर हैं पर मेरे व्यूज ही नहीं आते तो क्या मतलब, मैं वीडियो बनाती हूँ पर उसमें व्यूज ही नहीं आते तो मैं क्या करूँगी। ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे डेड सब्सक्राइबर का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा था कि मेरा मैं मैथ बैकग्राउंड की एक स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ की कोई कोचिंग का वीडियो शूट कर लेती, या मैं फिर ट्यूशन कोचिंग पढ़ा लूँ, उसमें मैं मेरा एटलीस्ट 5-6 हज़ार महीने का तो आएगा, या मेरा कुछ तो ग्रो करूंगी मैं वहां पर। यहाँ पे तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट चैनल तो ग्रो हो जाए, चैनल तो मोनेटाइज हो। मैं इतना ज़्यादा फेस कर रही हूँ ये 1 साल से, सब लोग मेरे यूट्यूब के खिलाफ, और जितनी बार भी मैं लोगों से मिलती हूँ वो लोग यही बोलते हैं अभी कहाँ तक पहुँची, अभी तुम्हें कितनी इनकम होने लगी यूट्यूब से। उनका मतलब है यूट्यूब से ये बहुत ज़्यादा भर भर के पैसा कमाती होगी, या ये पैसा कमा रही है। अरे तुमने तो ये वाला वीडियो डाला था, अरे तुमने तो चक्री चलाने वाला वीडियो डाला था, अरे तुम तो मेकअप सिखा रही थी, अरे तुम्हारे यहाँ तो लाइटिंग अच्छी नहीं है। ये सारे मुझे थॉट्स, निगेटिव कमेंट्स ऑल द टाइम, मतलब डेली मिलते हैं। जो कोई भी मेरे घर आता है वो आकर के मुझे यही बोलता है, और हर एक जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, स्पेशली जो मेरे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि हर जगह आपको हर कोई पसंद तो करता नहीं है, तो वो लोग ऐसे वीडियोस मेरे देखते हैं एंड देन मेरे घर पे एक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, और फिर आप लोग समझ सकते हैं उसके बाद क्या होता होगा। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसका भी जाएगा कि अरे वो तो ऐसा बोल रही थी, वो तो ऐसा बोल रही थी, ये है वो है। खैर मेरे को कोई उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत फ़र्क पड़ के देख लिया, बहुत सारे लोगों का देख लिया, लेकिन बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, डियर प्लीज़, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको ज़मीन से आप लोगों ने आज यहाँ पहुँचाया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि कोई ख़राब है कोई बुरा है, आप लोगों ने कुछ क्वालिटी वो देखी होगी तभी बढ़ाया है। क्या मेरे अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा भी ग्रो कर सकूँ, या आप लोग मुझे उठा सकूँ, या मुझे सब्सक्राइब कर सकूँ। आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो और चले आते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये नहीं सोचते हो कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाया वो कितनी मेहनत से बनाया है उसने। धीरे धीरे मेरी हिम्मत हार रही है, धीरे धीरे मैं मतलब टूट रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं कहीं भी सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि अभी मेरे अंदर डिमोटिवेशन भरती जा रही है। मैं हर बार जब मैं दूसरों के वीडियो देखती हूँ, लोग बोलते हैं पेशेंस होना चाहिए यूट्यूब में, पेशेंस होना चाहिए, कितना पेशेंस होना चाहिए, 1 साल हो गया मेरे चैनल को, कितना पेशेंस रखूँ मैं। और मैंने हर एक फील्ड को अपना करके देख लिया, मैंने व्लॉगिंग भी किया, मैंने मेकअप भी किया, मैंने प्रोडक्ट रिव्यू भी किया, मेरे पास इनकम नहीं होती थी फिर भी मैं करती थी, अपनी सेविंग से करती थी, लेकिन कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ कि मेरा यूट्यूब छोड़ देना ही सही है, मैं अपना चैनल बंद कर दूं फिर, क्योंकि ये मेहनत करने का फिर कोई मतलब नहीं अगर मुझे इसका फल ना मिले। वो नहीं कर रहा है, मेरे पास रोज़ कमेंट आते हैं मेरे वीडियोस में कि प्लीज़ गाइस आप मेरे वीडियो में आइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस मेरे वीडियोस में आइए। मैं कभी उनको, कभी भी मैंने ना उनका कोई कमेंट डिलीट किया, ना मैं कभी उनको कुछ बोलती हूँ कि आप क्यों मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के अपने मेरे सब्सक्राइबर से बोल रहे हो कि आपको सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर मैं एक मुकाम पे कल पहुंच जाऊंगी तो मैं भी सबकी मदद करना चाहूंगी, लेकिन आज मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से हेल्प मांगी, सब कोई टैगलाइन बोल देता है यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, और वही अगले दिन कम्युनिटी पे दूसरों के वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बोलोगे तो आप मुझे बोल दिया जाता था कि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम नहीं डाल सकते आपका वीडियो। ठीक है, मत डालिए, आप बिल्कुल मत डालिए, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करती किसी को कि नहीं मेरा वीडियो डालो ही डालो, बट अगर आप एक का नहीं कर रहे हो तो फिर आप किसी का भी मत करो। क्या बेटा? चल है नीचे। लेकिन अगर आप एक का नहीं कर रहे हो तो फिर आप किसी का भी मत करो, और अगर करो तो फिर सबका करो। ठीक है, भले टाइम लेकर के करो, उनको एटलीस्ट ये तो बोलो कि हाँ हम आगे जाकर के ट्राई करेंगे या हम देखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति नीचे से बढ़ता है वो उसकी अहमियत जानता है, यहाँ पर
आप किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए, बिना किसी के किक के कोई इतने इतने सारे लोग आज यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट किए हुए हैं, सब कोई वीडियो डाल रहा है। हर कोई सक्सेस नहीं होता है, सक्सेस वही होता है जिसको किसी न किसी की किक मिलती है या किसी न किसी का सपोर्ट मिलता है, वही व्यक्ति आगे जा कर के बढ़ रहा है। या तो मैं निगेटिव वीडियो फैलाऊं पूरे यूट्यूब पे, निगेटिव कमेंट्स करूं, निगेटिव वीडियोस बनाऊं, हर किसी की बुराई करूं, उससे मेरे में व्यूज आए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो, लेकिन मेरा वो है ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती। मेरे इस एरिया में शादीशुदा अनमैरिड गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो एक दो लड़कियां फिर भी यूट्यूब का चैनल क्रिएट किए हैं मेरी नॉलेज में, लेकिन शादीशुदा एक ऐसी कोई लड़की नहीं है मेरी, करती हो यूट्यूब का काम कोई भी करती हो या कोई सोच भी सकती हो, बट मैं सबके अगेंस्ट जा करके ये कर रही हूँ, बिकॉज मेरा मन है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है अलग एक इस दुनिया में। ये प्रूफ करना है सबको कि लड़कियाँ या औरतें केवल घर का काम करने के लिए नहीं बनी है, बच्चा पैदा करके पालने के लिए नहीं बनी है, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये करने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे अपने एरिया में ये एक थॉट लोगों को दिखाना है कि नहीं, औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है मर्द की हेल्प के बिना। मेरा जो कहने का मतलब था, मेरे मन में जो भी था मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया, कोई भी मैंने यहाँ पे फेक पन नहीं दिखाया है, ना कोई स्क्रिप्ट लेकर के बैठी हूँ, जो था मेरे मन में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर मैं आपके साथ नहीं शेयर करती तो शायद मैं घुट घुट के मर जाती, एंड आई डोंट नो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। ये भी वीडियो भी लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, आई डोंट नो, बस मुझे अपने मन की बात आप लोगों से कहनी थी तो मैंने कही, एंड मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी हंसता हुआ हैप्पी सा चेहरा लेकर के। आज के पूरे वीडियो में मैं बहुत इमोशनल थी, पर एक आंसू मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मैं रोती हूँ तो उसमें भी लोगों को कहना होता है कि आप सिंपैथी गेन करिए, आप सिंपैथी दिखा रही हैं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, एंड जब उसका समय आएगा तो आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर करूँगी, अभी उसका समय नहीं है। तो आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी कि कीप स्माइलिंग, अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझिए, एंड अपने आसपास के एरिया के लोगों को खुश रखने से पहले खुद को खुश रखिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे, एंड अगर आपको मैं पसंद आऊँ तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो। वाह।